नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सर्विस, सबसे तेज समाचार एजेंसी, और मैं हूं पुखराज सिंह। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाया जा रहा, कड़ी सुरक्षा बलों के साथ। आपको बताएं कि झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट के साथ रायपुर लाया जा रहा है। अमन साहू पर कई कारोबारियों से वसूली और 3 माह पहले राजधानी रायपुर में तेलीमादा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा रायपुर लाकर आगे की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, रायपुर क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय बड़ी टीम हथियारों से लैस झारखंड से रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अमन साहू को झारखंड से रायपुर तक लाने के लिए सुरक्षागत दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयार की गई है। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम समेत झारखंड पुलिस के 30 अधिकारी भी इनके साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि AK-47 से लैस जवान अमन को रायपुर ला रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना न हो। ऐसा पहली बार है जब किसी अपराधी को दूसरे राज्य से इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया जा रहा है। गौरतलब है कि अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट में रायपुर लाने स्थानीय पुलिस कोर्ट में 5 से 6 बार प्रोटेक्शन वारंट के साथ लाने की प्रयास कर चुकी है, लेकिन अब तक अमन को रायपुर नहीं लाया जा सका है। अब कोर्ट ने अमन साहू और उसके 2 गुर्गे विक्रम सिंह और आकाश राय उर्फ मोनू के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी किया है। तीनों अभी गिरिडीह जेल में बंद है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि विक्रम सिंह और आकाश राय भी अमन के साथ रायपुर लाए जा रहे हैं या नहीं। अमन के खिलाफ झारखंड में दर्जनों मामले दर्ज हैं। हर दूसरे तीसरे दिन झारखंड के अलग अलग कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होती है। इसके साथ ही वह हार्ड कोर अपराधी भी है। इस लिहाज से गिरिडीह जेल प्रशासन अमन की पेशी और सुरक्षा का हवाला देकर अमन को प्रोटेक्शन वारंट में भेजने से बचती रही है।